বাড়ির ছাদ ভেঙে পাঁচজনের মৃত্যু। একই পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লখনৌয়ের ঘটনা। বাড়ির ছাদ ভেঙে একই পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু এবং এই মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য। বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত পাঁচ, বিস্তারিত কথা বলবো। সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। মনীষজি, ক্যা জানকারি মিল রই অভি তক, ক্যা ঘটনা ঘটি থি? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लखनऊ के मवैया क्षेत्र की एक रेलवे कॉलोनी है जहां पर छत गिर गई रात के वक्त, और सबसे अहम बात परिवार के जितने भी सदस्य थे छत गिरने की वजह से जो है उसमें वो दब गए थे, और सबसे अहम बात ये रही कि रात के वक्त छत गिरने की वजह से जो है आसपास के लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई। जब लोग सुबह के वक्त उठे, उनके आसपास के कॉलोनी के लोग, तब उनको ये जानकारी हुई कि इस मकान की छत गिरी है और इसके जो लोग हैं, चाहे बच्चे सहित उनके पूरा परिवार उस मलबे में दब गया है। उसके बाद जो है पुलिस की को जो है लोगों के द्वारा सूचना दी गई, और मौके पर पहुंच करके जब मलबे को हटाया गया तो उसमें से 500 अब तक जो है बरामद हो चुके हैं। कह सकते हैं कि 5 डेड बॉडी जो है अब तक मिल चुकी हैं, जिसमें एक बच्चे की डेड बॉडी भी है। कहा जा रहा है कि उसमें और भी शव हो सकते हैं। इसको लेकर के जो है अभी भी पुलिस की टीम उस मलबे को हटाने का प्रयास कर रही है। अभी तक कहा जाए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो एक सबसे बड़ी वजह देखने को मिल रही है कि जो लगातार बारिश हो रही है और जो मकान जर्जर मकान है वो उनकी स्थिति जो है काफी नाजुक बन गई है। इसी के चलते जो है ये पुरानी घटना देखने को मिल रही है। अब ये जिस प्रकार जी ये पूरी कॉलोनी जो है कई वर्षों से बनी हुई कॉलोनी है, और माना जा रहा है कि लोगों का कहना है कि बहुत ही मजबूती से जो है ये सरकारी, क्योंकि ये रेलवे कॉलोनी है और केंद्र सरकार की जो होती है उनकी तरफ से इस कॉलोनी का जो है बनाया गया था। इसमें रेलवे के कर्मचारी जो है इसमें रहते हैं ज्यादातर लोग, और कुछ लोगों ने अपने इन मकानों को किराए पर भी दे रखा है। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ रेलवे की तरफ से कोई मेंटेनेंस बनाया गया था, रेलवे की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया था जो रहते हैं वहां पे? जी बिल्कुल, अगर कहा जाए वहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि मेंटेनेंस की किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी। लोग अपने ही पैसों से या किसी प्रकार की कोई उनके घरों में दरारें पड़ती थी या कोई वजह और आती थी तो अपने ही पैसों से भुगतान करके जो है अपनी समस्या को दूर करते थे। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये रेलवे कॉलोनी है और जो छत गिरने की वजह से 5 लोग अब तक मौत हो चुकी है, तो कह सकते हैं कि लोगों ने कंप्लेन की है इस बारे में की तरफ से। जी अभी लोग जो है वहां के जो स्थितियां हैं हमेशा ही वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना रहता है कि वो सूचना देते रहते हैं, क्योंकि ये एक कॉलोनी जिस प्रकार से जो छोटे जो मतलब सी कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं वो इन कॉलोनियों में रहते हैं, तो कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पर रेलवे के किसी अधिकारी या अफसर की ये कॉलोनी नहीं है। यहाँ पर जो सी कैटेगरी और बी कैटेगरी के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर अपने परिवारों के साथ जो है यहाँ पर रहते हैं, उन्हीं को ये जो है पूरी रेलवे कॉलोनी जो है आवंटित की गई है। इसी और रेलवे कॉलोनी के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो एक लापरवाही कही जा सकती है कि अगर इन मकानों का लगातार मेंटेनेंस किया गया होता या तो कह सकते हैं कि हालांकि बारिश एक वजह जरूर बता रही, प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो है ये घटना हुई है, लेकिन अगर मेंटेनेंस पे ध्यान रखा गया होता सरकार की तरफ से तो शायद इतनी बड़ी जो है घटना देखने को ना मिलती। जी शुक्रिया। मैं कथा बोल সরাসরি আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। এবং যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক, যেখানে একটি বাড়ির ছাদ ভেঙে পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং কোথাও না কোথাও কাঠগড়ায় রেল কর্তৃপক্ষ।